मम्मी पानी पी के जब तुम पानी डाल रहे हो तो पानी पी रहे हैं, पानी पी के जब नीचे सुसु करने लग जाए तो समझ लो ये पूरा भरी है, तुम्हें से ज्यादा नहीं भरना है। धो करने लग गया ना, हटाओ उसको, हटाओ, हाँ हटाओ हटाओ। अरे फूल नहीं करते, सुसु करने लग गया, वो भरी है उसका। हाँ क्या बढ़िया है, अच्छी बढ़िया है, बेकार लग रही है, सच्ची बोल रहा हूँ। तू बेकार लग रही है ना, खाना आता है क्या? चावल चावल लगाना है 220 ग्राम। ऐसी है मामला, क्या करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और हम पूरी फैमिली जो है ना, मम्मी, मैं, गुनगुन और पापा, हम सब लोग, मतलब आज है 4 तारीख, तो 6 तारीख की सुबह हम जा रहे हैं हरिद्वार को। वहाँ कुछ काम है, वहाँ एक पूजा करवानी है गुनगुन और मेरी, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में वो पूजा वूजा करेंगे, और उसके बाद अगले दिन ऋषिकेश भी घूमने जाएंगे। तो ये सारा प्लान है, तो उसके लिए अभी नीचे जाना है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है कुछ कपड़ों की, और गुनगुन को लेने भी जाना है उसको स्कूल से। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, मैंने अभी भी नहाया हुआ है, और ये तो हुलिया देख रहे हो ना मेरा, बड़े बाल और ये तो दाढ़ी आजकल मैंने जो हो रखी है मेरी, इसको पूरा साफ करेंगे, मतलब लिटरली पूरा साफ नहीं, थोड़ा सेट करेंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है। आज बहुत सारे गाने रिकॉर्ड भी करने हैं, बिकॉज हरिद्वार में मैं कुछ गाने शूट भी कर लूंगा, ऋषिकेश में कुछ गाने शूट कर लूंगा, तो उसके लिए कुछ रिकॉर्ड भी कर लेंगे ना, एक दो गाने, तो मजा आ जाएगा। तो ये सीन है, बाकी पहले खाना खाते हैं। क्या बना रखा आपने? राजमा 200 कितना हो गया? 28 हो गया यार, तुम जा, चलो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 28 ले लो आज। हरी सब्जी और राजमा। अरे बाबरे, आज तो राजमा है, मैंने ब्लॉग में पिछली बार भी राजमा बताए थे यार, वो कहेंगे राजमा ही बनते रहते हैं। सो गाइस, गुनगुन तो आ गई है स्कूल से। क्या रहा आज, प्रैक्टिकल था? प्रैक्टिकल ही होते थे क्या तेरे? केमिस्ट्री का था ना। कैसा हुआ? हो गया। कैसा हुआ? हो गया। हो गया मतलब, मतलब निपट गया। तो मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हमने पहन लिया, लेकिन अभी ये पहले आ गई और हमको लेट हो चुकी थी, तो मुझे पहले मम्मी को छोड़ना है, मम्मी को भी कहीं जाना है, यू नो हरिद्वार की जो शॉपिंग वॉपिंग वो करनी थोड़ी सी, तो मैं मम्मी को छोड़ के जाता हूँ पहले, और अपने ग्रूमिंग भी करा लाऊंगा, फिर घर आऊंगा, फिर गुनगुन को लेके जाऊंगा। और तब भयंकर जाम लगा है, मतलब हमारे घर से हल्द्वानी जाने में लगते हैं 15 मिनट्स, आजकल लग जा रहे हैं 40 मिनट्स या 45 मिनट्स लग जा रहे हैं, तो इतना खतरनाक जाम लग रहा है, वही सब करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। तुमको कहाँ छोड़ना है? मैं जाऊंगा दुर्गा सिटी सेंटर, वहीं पे छोड़ना ना, ठीक है। क्या ठीक है, नारियल पानी जूस पिलाऊंगा, अनार का जूस पियेंगे। अज्जू ब्रो, धूप पे बैठा है, गर्मी हो रही, सो अपनी स्कूटी भी चमक गई है, कल धुलवा ली थी मैंने, मस्त हो गई है। आ जाओ मम्मी चले। गैस मम्मी को तो छोड़ दिया है मैंने, अब बाल कटाते हैं, सैलून पहुंच गए, वो सब साफ कराते हैं, फिर देख मिलता हूँ आपसे। गैस बाल तो कट गए हैं हमारे, और एकदम बड़ा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, तो चलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो गैस घर तो पहुंच चुके हैं, और देखो कुछ ऐसे बाल और ऐसी दाढ़ी उन्होंने कर दी है, और सब सेटअप हो गया सीन, एंड अब चलेंगे बाज़ार की ओर, और बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है, मैं जैसे तैसे आया हूँ मैं जानता हूँ, भयंकर जाम लगा हुआ है, अभी चलते हैं ऊपर को और गुनगुन से कहता हूँ तैयार होने के लिए। सो गैस रेडी हो चुके हैं, और अभी चलते हैं एकदम से, आज शॉपिंग करनी है कुछ कपड़ों की, गुनगुन को भी करनी है, और देखते हैं कुछ करते हैं, फिर निकलना भी है, आज पैकिंग भी करनी है, सो लेट्स गो। गाइस हमको थोड़ी भूख लगी थी, तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लिया, तो चलते हैं सीधे शॉपिंग करने के लिए, और देखते हैं क्या क्या उपाय दिया आज। क्या बढ़िया है, अच्छी बढ़िया है, बेकार लग रही है, सच्ची बोल रहा हूं, तू बेकार लग रही है ना। सो गाइस ये लिए हैं, तो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कैसा लगता है, तो कुछ ऐसा लग रहा है, एंड उतना पसंद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्यों, थोड़ा बॉयश सा लुक आ रहा है इसमें, है ना, सो पता नहीं।
सुबह एक जगह तो देख लिया हमने, वहाँ कुछ अच्छा मिला नहीं। गुनगुन को एक चीज़ मिली, मतलब मेरे जीन्स ले ली और गुनगुन को पता नहीं क्यों नहीं करना, पापा के लिए टी शर्ट ले ली थी हमने। अब यहाँ पे आए हैं मैक्स, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है। तो मैं शर्ट चाहिए थे, जीन्स तो मैंने ले लिया, शर्ट देखो। सो गाइस अभी दो शर्ट हो गई हैं यहाँ पे, देखते हैं ट्रायल रूम में ट्राई करके देखते हैं कैसी लग रही है। अभी ऐसा लग रहा है यार, ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत खतरनाक शॉपिंग हो गई है आज, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा का खर्चा हो चुका है। हाँ, जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है लिवाइस में और पेपे जीन्स में। लेकिन तो... जब पता है जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा खर्चा करने आएंगे तब तो नहीं होता, तब तो हम खाली मिनिमम चीजें लेते हैं, और जब हम सोच के आते कि हम बिल्कुल कम से कम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा हो गया। अभी घर जाके बताऊंगा क्या क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी हम बर्गर किंग में आए हुए हैं तो शाम के 5 से भी ज्यादा बज चुके हैं, तो इसको खत्म करते हैं पहले यहाँ पे कुछ मील और फिर चलते हैं घर को, फिर दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। मम्मी के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मम्मी के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, पापा के कॉल पे कॉल आ रही है। आज पैकिंग भी करनी है, कल सुबह निकलना भी है हरिद्वार के लिए, तो लेने तो हम आए थे एक जोड़ी, लेकिन पता नहीं क्या क्या ले लिया है। तो एक ही जोड़ी लिया है, एक भी नहीं, मतलब दो पेयर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जानते हो आप लिवाइस और ये सब जो ब्रांड्स होते हैं महंगे तो होते ही हैं, तो काफ़ी खर्चा हो गया। अब दिखाता हूँ आपको घर जाके क्या सीन है, फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करते हैं सीन, ठीक है। पहले पहले तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा यार, मतलब ना हम इतनी जगह गए, ऐसा लग रहा था कि हम जाते हैं ना अपने स्टोर के खरीदने के लिए, वहाँ स्टॉक जो था वो हमने ऑलरेडी खरीद चुके थे, तो अब वो समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा कि और ले नहीं है तो बेकार लेके फ़ायदा नहीं है। फिर हम जैसे ही वॉक पे घुसे फिर तो एक स्टोर से काम हो गया, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि आज कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब हम वॉक पे मॉल आए, यहाँ पेंटालूम्स के शोरूम में गए, तो भाई फिर सब पसंद आने लग गया और सब फिर ले लिया। पर मुझे कुछ पसंद आता है मैं ले लेता हूँ सीधे, ठीक है, मतलब मैं रुकता नहीं हूँ, तो अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूँगा, तो वो सीन हो गया। भाई घर जाके दिखाता हूँ आपको, चल। ओए खाना स्नैपचैट चलाते रहती हमेशा, बस आ गया है। क्या हो गया, हो गया? तो फिलहाल ये मील खत्म करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। मेरा हल्का हल्का पेट भर आने लग गया, मेरा हल्का हल्का, ऊपर से बॉडी ठीक है लेकिन पेट भर आने लग गया, बताऊँ क्या हो रहा। तो हरिद्वार से जब वापस आ जाएंगे घर तो फिर तांबर तोड़ वर्कआउट करके सब खत्म कर लेंगे। क्या कह रही, खाने की ट्रिक है, अगर इसका बहुत सारी सब्जी इसमें तो नहीं है, अगर इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डर लग रहा हो कि बाहर गिर जाएगा, हाँ, तो हमेशा जैसे ये है इसको उल्टा करके खाने से कभी नहीं गिरेगा। हो 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 हो, ट्रिक है सच्ची में। तो ये जो एडवाइस होती है खदवों की होती है, खदवे देते हैं। नहीं, मैंने यूट्यूब में देखा था और वो सच में वर्क करता है। तो यूट्यूब में ऐसी चीज़ें भी तो ये लोग देखते हैं। हाँ, तो है, कितनी अच्छी होती है फूडी ASMR वीडियोस, उसको देख के भूख लग जाती है। हाँ, जैसे वो पानी पूरी चैलेंज था ना हमारा, पानी पूरी चैलेंज देख के तो बहुत लोगों ने पानी पूरी खाई होगी पक्का। तो खाई है तो कमेंट्स में लिख के बताओ किस किस ने खाई। यहाँ पे कितना सन्नाटा हो गया है, पहले यहाँ पे लोग इतना खेलते थे शाम को ना, मतलब बहुत हल्ला हल्ला होता था। अब देखो सब बाउंड्री बन लगी, तो अब वॉलीबॉल खेलने का सीन खत्म हो गया। फिलहाल ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पापा गमलों में पानी डाल रहे हैं, मेरे से कहा मैंने नहीं डाला को है, मेरे से सुबह कहा था मैंने नहीं डाला पानी को। हाँ, मतलब पापा ने मुझसे सुबह कहा था कि पानी डाल देना करके, और मैं भूल गया, तो अब मैं डाल देता हूँ, फिर से लाओ ना, मैं डाल रहा हूँ, मैं मन कर रहा हूँ, मज़ा आएगा, पानी डालते हैं। सब सब्जी खाने सब तर कर देना ना पूरा, जो खाली है वो नहीं। अच्छा, ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब हरिद्वार जाएंगे तो उससे पहले इनको पूरा तर बस्तर कर जाते हैं। पानी पी के जब तुम पानी डाल रहे हो तो पानी पी रहे हैं, पानी पी के जब नीचे से सुसु करने लग जाए तो समझ लो ये पूरा भर गया है, तुम्हें ज़्यादा नहीं भरना है। देखो करने लग गया ना, हटाओ उसको, हटाओ, हाँ हटाओ हटाओ। अरे फूल नहीं करते, सुसु करने लग गया, वो भर गया उसका। हाँ क्या भर गया? अच्छा, गुनगुन ये हनी सिंह, बाय बाय। सो गाइस देखो यहाँ पे तो तैयारी चल रही है पापा मम्मी की, बस पैकिंग वैकिंग। आपको सामान दिखाते हैं कि क्या क्या सामान लेके आए हैं हम। ये टी शर्ट है पापा के लिए, और ट्राई करो तो एक बार। मंगल के दिन नहीं बनता, कल सुबह पहन के जाओगे, ठीक है। ये मैं अपने जीन्स लेके आया था, ये वाली
शर्ट है। हाँ ये शर्ट है देखो, वाइट का ये लिवाइस की है, ठीक है। हाँ ये भी ये है, बहुत प्यारी है, इसमें कितना क्यूट लग रहा है दादा। ये पेपे जीन्स की है, ये भी दादा की है, और ये तीसरी है, ये भी लिवाइस की है। ये वो है प्लाजो जो मम्मी के भी काम आ जाएगा, गुनगुन के भी काम आ जाएगा। ये प्लाजो वैसा टाइप का है यार, छोटा थोड़ी पहनती मैं, पहनूंगी मत पहनना यार, ठीक है। ये गुनगुन के लिए मिडी, तो हम पैकिंग वैकिंग करेंगे और फटाफट पैकिंग स्टार्ट करेंगे, सारा सामान रख लेंगे, बिकॉज कल सुबह 5:30 की ट्रेन है, ठीक है। 5:30 की ट्रेन है काठगोदाम से, सुबह 5:30, तो आप लगा लो 4 बजे तो उठना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से अंधेरे में जाना पड़ेगा नीचे तक, क्योंकि नहाना भी है। 4:30 पे, 4:30 भी 4:45 पे जाएंगे ना, अच्छा फुआ जी ले जाना है, तो फुफा जी हमको छोड़ देंगे यहाँ पे उनकी कार में, तो 4:30 पे यहाँ से निकल जाएंगे हम, तो लगा लो हिसाब कितने बजे उठना पड़ेगा, है ना। ये मामला है, गाना भी रिकॉर्ड करना है, तो देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हैं। सो गाइस पैकिंग भी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, एंड बस कर ली है, अब बात थोड़ी थोड़ी, एक जो थोड़ी थोड़ी होती है ना जो सुबह की बची हुई है, वाली पे पैकिंग बची हुई है, एंड 11 बजने वाला है, 5:30 बजे निकलना है, और कितने 3 बजे उठना है, तो समझ जाओ। और मुझे गिटार कवर भी रिकॉर्ड भी करना है अभी एक, ठीक है, ताकि हम ऋषिकेश में शूट कर सकें उसको, तो गिटार कवर भी रिकॉर्ड करना है, तो समझ जाओ कितनी नींद होगी और कितना क्या होगा, लेकिन करना पड़ेगा आप सब लोगों के लिए, आई लव इट, तो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, गुनगुन की भी हो चुकी है बैग में, ये गुनगुन मैंने सबसे पहले कर ली थी, वही तुम तो यार बड़े लोग हुए फिर। यहाँ पे देखो पापा ने मखाने भी भून दिए हैं, जो सामान लेके आए थे ना, जो हम सामान लेके आए थे ना वहाँ से, कि हम चिप्स खाएंगे तो कुछ नहीं खा सकते हम, क्योंकि हमारी पूजा है कल हरिद्वार में कुछ, उसी के लिए सब चल रहा है, उसी के लिए हम जा रहे हैं, उसी के लिए नए कपड़े भी खरीदे, तो ये सब सीन है। तो ये सब जो मतलब एक तरह से कल वाला व्रत टाइप का समझ लो आप, तो पापा ने रास्ते भर में जाने के लिए ये सब कर दिया है। देखो मूँगफलियाँ भून दी हैं, ये काजू और बादाम, और दिस वन क्या है मखाना। सो गाइस बहुत कमाल की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, गाना बहुत ही कमाल का, एक डिवाइन सॉन्ग है, और मतलब इस टाइम पर रिकॉर्ड करने में ना अलग ही मज़ा आ गया यार, मतलब गाना भी इतना डिवाइन है, गंगा पे सॉन्ग है, गंगा द गंगा पे एक प्रेरित एक सॉन्ग है, बॉलीवुड का ही सॉन्ग है, और मतलब गाते गाते इतना मज़ा आ गया, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। अब देखते हैं ये अगर बन पाता है मैं भेज दूंगा उपदेश सर को, अगर वो बना देते तो बहुत बढ़िया है, ऋषिकेश पहुँचने तक मेरे बना देते तो मैं वहाँ इसकी वीडियो शूट कर लूँगा और सब आप लोगों को सुना दूंगा। और बहुत भयंकर नींद आ रही है, मैंने रिकॉर्ड भी तो कर लिया है, लेकिन एक बज चुका है, नींद बहुत खतरनाक आ रही है, 5:30 की ट्रेन है, 4 बजे उठना है और नहाना भी है, मैं 3:30 बजे उठना होगा, 4:30 बजे तो निकलना ही है, तो एक बज चुका है, आप लगभग 2.5 घंटे बचे हुए हैं सोने के, तो फटाफट सोते हैं। देखो गुनगुन तो यहाँ पे सो गई है, ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ, तो गुनगुन तो यहाँ पे सो गई है, अब मैं भी सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है, गाना कमाल का रिकॉर्ड हो चुका है, उपदेश सर को भेजता हूँ, कल उनसे बात करूंगा मैं, समझा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, टूर अभी बाकी है यार, ठीक है, बाय बाय।